हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधा एचपी मोटर और एक एचपी मोटर जो हम घर में लगाते हैं पानी की, उसमें कितने एमएफडी के कंडेंसर लगते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है उनके नंबर मिट जाते हैं और वो कंडेंसर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितने एमएफडी का कैपेसिटर इसमें लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आधा एचपी जो मोटर होती है उसमें 10 एमएफडी का लगता है अधिकतर, और जो एक एचपी की मोटर आती है उसमें आप एक एचपी की मोटर में आप 15 या 20 का कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन अधिकतर इसमें 20 का आता है। लेकिन कई मोटर जो नई आ रही है आजकल जिनका गेज डाउन आता है उनमें आप 15 एमएफडी लगाएं, ये 15 एमएफडी का भी कैपेसिटर आता है। तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि आधा एचपी में हम 10 एमएफडी का लगाएंगे और एक एचपी में हम 15 का, या फिर जो भारी मोटर है पुरानी टाइप की मोटर है उसमें 20 एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। तो आपको चाहिए कि आप कौन सा कैपेसिटर लगाएं, आप मतलब लगा सकते हैं उसके एचपी देखकर। तो दोस्तों, कंडेंसर का तो ये क्लियर हो गया, और मोटर में एक प्रॉब्लम और आती है कि वो गर्म होकर बंद हो जाती है। तो दोस्तों, मोटर जब गर्म होकर बंद होती है तो उसकी वाइंडिंग के अंदर एक हीटिंग ऑटो कट होता है, जिससे मतलब ज़्यादा ओवर जो हीट होती है तो उससे वो कट ऑफ हो जाती है, और फिर वापस जब उसकी वाइंडिंग ठंडी हो जाती है तो फिर वापस से वो चल जाती है। तो इसके लिए आपको ये हीटिंग ऑटो कट जो होता है इसके अंदर आता है, इसको चेंज करना होगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक तुरंत पहुँच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।